Whatever you were working on, the project that could not turn well, and you were a little feeling that it's failing, it's not working well. So what was that, and what did you learn from that? Okay, recently I was working on the project on Women's Day only, and lastly we felt the budget constraint thing. Okay, जो हमें करना था, the idea was really bright और उसका impact भी बहुत अच्छा होने वाला था, क्योंकि social work था, लेकिन हम budget constraint की तरफ से. I tried to convey the same idea to the board कि हम ये करना है एंड वी नीड मोर बजट, बट दे वर लाइक कि हम बजट और बढ़ा नहीं सकते. वी हैव टू कम अप विद द आइडियाज़ जो कि थोड़े रिसोर्सफुल हो और अंडर द बजट हो. दैट मेड मी वेरी डीमोटिवेटेड कि यार एक तो सोशल वर्क कर रहे हैं, व्हाई कांट वी स्पेंड मोर, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वी नीड टू वर्क. सो फॉर दैट द इंटायर टीम सेट इन एंड वी डिस्कस कि ओके ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही, लेट्स स्टार्ट विद द लिटिल थिंग कि हम छोटी छोटी चीज़ों में से उन्हें क्या सिखा सकते हैं. So we come up with the idea कि there is a small venture जो कि bracelets बनाता है. Women's Day है, उनको हम bracelets बनाते हुए उनको थेरेपी दे के उन्हें कुछ सिखाते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं वो क्या करेंगे, एंड देन लास्टली हम उन्हें एक गिव अवे गुडी बैग दे देंगे तो उनके लिए भी कुछ हो जाएगा. तो इट वॉज लाइक कि ठीक है, छोटी चीज़ों से भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द लर्निंग इन दैट? छोटी चीज़ों से बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है. इफ़ यू फेस अ चैलेंज, इट्स नॉट द एंड, यू कैन स्टिल कम अप विद अनदर आइडिया. अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया तो एक विंडो तो खुली हुई है.